बच्चों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और जय मसीह की। आज खुशी की बात है कि हर साल की तरह हमारा जो VBS होता है, वोकेशनल बाइबल स्कूल, आज हम इस माध्यम से कर रहे हैं कि आप तक पहुंचे, क्योंकि क्राइस्ट चर्च नोएडा को आपसे प्रेम है और हम चाहते हैं कि ये जो आपका अवकाश चल रहा है, गर्मी की छुट्टियां हैं, इसमें आप अपने बाकी जो इंजॉयमेंट करते हैं, खुशी मनाते हैं और आराम तल भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, इसके साथ साथ अपने सृष्टिकर्ता के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। और इसके लिए ये जो माध्यम है, हम चाहते हैं कि इसके द्वारा आप अपने जो मित्र हैं उनको भी बताएं, हो सकता है वो भी इससे लाभ उठा सकें। जो इस दफा का हमारा 2020 का जो वोकेशनल बाइबल स्कूल है, इसका जो शीर्षक है इस दफा बहुत सुंदर है और ये है कि हम सब क्या हैं, रक्षक हैं। किसके रक्षक हैं? ये जो सुंदर संसार परमेश्वर ने बनाया है और उत्पत्ति जो कि पवित्र बाइबल के अंदर पहली किताब है, उसके दूसरे बाब के 15 पद में वहां इस प्रकार से लिखा, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और अगर आपके पास होगा आप भी अपनी पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन को वाटिका में रख दिया कि वह उसे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तो हम अपना इस संसार के जो हमें परमेश्वर ने सुंदर संसार दिया है, इसके प्रति अपना फर्ज कभी भूले नहीं। और हमारा फर्ज यह है कि ये जो परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को इस संसार में पैदा किया और हम आदम से चलते हैं, धीमे 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 करते करते आज हम देखते हैं कि ये जो धरती सुंदर, जिसके अंदर पहाड़, फूल, फल और सुंदर पक्षी हैं, सुंदर जानवर हैं, हम शायद अपनी उनके प्रति जिम्मेदारी भूल चुके हैं। हमने तो इस संसार का, नदियों का तहस नहस कर दिया कि हमारे जो पूरे संसार के अंदर इस प्रकार का एक ऐसी गैसेस बन गई हैं जिससे कि लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को सांस लेने की तकलीफ है और भिन्न भिन्न प्रकार की जो धरती जिस प्रकार से प्रभु ने दी थी वो किस प्रकार का था, वातावरण क्या लोकेशन थी, लिखा बाग अदन, यानी एक गार्डन, एक बाग। और हम जानते हैं कि जब जब भी हम थकावट महसूस करते हैं, हम लोग बाग में घूमने जाते हैं। ये वास्तव में हमें प्रभु ने ऐसी जगह पर रखा था, लेकिन अब तो हम बाग गार्डन ढूंढते हैं कि हमको कहीं ताजी हवा मिले और सुंदर दृश्य दिखे तो हमारा मूड चेंज हो। लेकिन प्रभु ने तो ये वास्तविक रूप में, प्राकृतिक रूप में ये हमको दिया था। शायद हमारे पूर्वज, कुछ हमारा भी शायद योगदान है, हम लोग जो हैं लापरवाह हो गए। हमने इस दी हुई सुंदर बागे अदन का, जहां हमारी पैदाइश हुई, जो शायद हमारे रहने की स्थान था, उसको तो हमने तहस नहस कर दिया। क्या रही नदियां, क्या रहे सुंदर पक्षी, क्या रहे फल फूल, हमने सबको बड़ा लापरवाही के साथ अपना बर्ताव रखा है। अब समय यह आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और अपनी जिम्मेवारी को याद रखें। हमारी जिम्मेवारी यह है कि हम क्या करें। पहली चीज, कार्य करें, है अंग्रेजी में है टू टेंड एंड टू कीप। और ये जो कार्य मुझे और आपको करना है वो क्या है, इसके अंदर मुझे और आपको संयुक्त हो जाना है कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर तो आत्मा है, वो अपना कार्य किनके द्वारा करती है, जिनके जो मेरे और आपके जैसे हैं, और खास तौर पे प्यारे बच्चों के साथ वो चाहता है कि उनके अभी से उनके अंदर ऐसी भावनाएं आए कि वो इस प्रकृति का, इस सुंदर संसार का जो सुंदरता है उसको कायम रखें। फल हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं,
उनके प्रति प्रेम प्रकट करें, उनकी सुरक्षा करें। जो कभी कभी अभियान होते हैं, वृक्ष लगाओ, लगाकर भूलना नहीं है, उसको पानी देना, कभी कभी वहां से गुजरे जाके रुक के देखना, थोड़ी बातचीत करेंगे पेड़ से, वो भी कुछ अंदर से तो महसूस करते हैं, उनमें भी जान है। और जब हम ऐसा करेंगे, मुझे लगता है कुछ हद तक हमारा ये संसार फिर से दोबारा अपने ओरिजिनल जगह पर आ जाएगा। और इसके लिए मुझे और आपको कार्य करना है, खाद पानी डालना है, अपना प्रेम प्रकट करना है, थोड़ी जो हमारा स्वाभाविक है कूड़ा फेंक और ये कर, उस पर रोक लगानी है। और यदि हम सब ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, इस संसार के हम रक्षक बन रहे हैं। तो यही आज का हमारा जो आगे 6 दिन का होगा, ये जो आपके लेसन्स होंगे वो इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे कि मैं और आप को परमेश्वर ने रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। किसकी रक्षा? उसके सुंदर संसार की, कि नदियां साफ स्वच्छ रहें, स्वच्छ हमें सांस मिले, स्वच्छ हवा हो, और जगह जगह जहां बड़ी पॉइजनस गैसेस हो रही हैं वो खत्म हो करके हम उस प्रकृति के फिर गोद में आकर के वही आनंद उठाएं जिसके हकदार हम सब हैं। इसलिए हम शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आदर और सम्मान के साथ आपके सिंहासन के सामने आते हैं, इन प्यारे बच्चों को लाते हैं, हमारे इस वोकेशनल बाइबल स्कूल को जो आज से हम शुरू करते हैं। हमारी विनती है आपका अनुग्रह प्रत्येक बच्चे के ऊपर हो, प्रत्येक टीचर के ऊपर हो, और तमाम लोगों के साथ हो जो इस संसार में इस COVID-19 से लड़ते हैं, जिसके कारण आज प्रभु हम एक दूसरे को छू नहीं सकते, खुली सांस नहीं ले सकते, क्योंकि हम सब इसके जिम्मेदार हैं। होने दें इसके द्वारा आज सब बच्चे जागृत हों और अपने फर्जों को समझें कि जब ये आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ती है, ये संसार वैसे ही सुंदर हो जैसा आपने आदम को दिया था, कि उसकी रक्षा करें और उसके प्रति काम करें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज VBS का पहला दिन है और पहले दिन का थीम है क्रिएशन। परमेश्वर ने किस प्रकार इस संसार को रचा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि तूने आज तक हमें संभाल कर रखा है, आगे भी तू इसी तरह हमें संभाल। प्रभु जी आज VBS का पहला दिन है, हमें ज्ञान और बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को सीखने वाले हो सके और उस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सारी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और ये दुआ प्रिय पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यह उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में पाया जाता है। बच्चों आपको पता है, ये पृथ्वी, बड़े बड़े पहाड़, ये नदियाँ, हरे भरे पेड़, गीत गाती चिड़ियों को किसने बनाया? इसे परमेश्वर ने बनाया। आपको पता है सप्ताह में 7 दिन क्यों होते हैं? चलो आज इसके बारे में हम जानते हैं। बहुत वर्षों पहले परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। स्वर्ग में सब कुछ सुंदर और चमकदार था। वहाँ परमेश्वर स्वर्गदूत के साथ रहते थे। स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते और उसके नाम को ऊंचा करते थे। पर पृथ्वी पर कोई भी नहीं रहता था। पृथ्वी बहुत सुनसान और ठंडी थी। चारों ओर घोर अंधेरा था। पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी था। ऐसा लगता था मानो पृथ्वी पानी में डूबी है। परमेश्वर ने सोचा, मैं पृथ्वी को भी सुंदर बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और परमेश्वर जैसे कहे चारों ओर उजाला हो गया। अब अंधेरा नहीं था। परमेश्वर उजाला को दिन और अंधियारे को रात कहा। इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर यही तो चाहते थे। दूसरे दिन भी परमेश्वर संसार को सुंदर बनाने में जुटे रहे।
पृथ्वी पर बहुत पानी था, परमेश्वर ने उसे दो भाग में बांटा। नीचे का पानी पृथ्वी पर और ऊपर का पानी बादल के रूप में ऊपर और बीच में आकाश बनाया। उसके आज्ञा देने की देर थी और आकाश बन गया। आकाश बहुत ही सुंदर और नीले रंग का था और उसमें प्यारे प्यारे सफ़ेद बादल छाए हुए थे। इस प्रकार दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन परमेश्वर ने देखा पृथ्वी अभी भी पानी से ढकी है। उसने कहा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, और ऐसा ही हुआ। उस पानी को परमेश्वर ने समुद्र कहा। पानी एक जगह इकट्ठा होने पर सूखी जमीन दिखाई देने लगी। यही वो भाग है जिसमें हम रहते हैं। इसके बाद परमेश्वर ने कहा हर प्रकार के फल वाले पेड़ पौधे उग जाएं। घास और तरह तरह के फूलों के पौधे उग गए। जो फूल उसने बनाए थे वो फूल बहुत सुंदर और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। उसकी खुशबू हवा में चारों ओर फैल रही थी और पेड़ पौधे भी हवा के मंद मंद झोंके से झूम रहे थे। जब तीसरे दिन शाम हुई पृथ्वी बहुत सुंदर हो चुकी थी, और फिर रात हुई और सुबह हुई। इस प्रकार तीसरा दिन बीत गया। फिर चौथा दिन आया। परमेश्वर दो बड़ी ज्योति को बनाया, सूर्य और चांद। सूर्य रोज सुबह भोर में निकलता और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता सूर्य भी ऊपर होता जाता और सारी पृथ्वी पर अपनी गर्मी को फैलाता। उसकी गर्मी से पेड़ पौधे फूल सब बढ़ते जाते। और रात के लिए चांद को बनाया, जो रात की अपनी शीतल रोशनी पूरे संसार में बिखेरती, और उसके साथ छोटे छोटे टिमटिमाते तारे बहुत ही सुंदर थे। इस प्रकार रात हुई और फिर सुबह हुई और चौथा दिन बीत गया। पांचवें दिन परमेश्वर ने समुद्र में रहने वाली मछलियों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। परमेश्वर ने पक्षियों को भी अद्भुत पंख दिए जिसमें इंद्रधनुषी रंग थे, सुंदर बोली दी, और पूरी पृथ्वी पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। उसने छोटी बड़ी मछलियों को भी बनाया जो बहुत सुंदर और चमकदार थे। पानी में उसके पंख चमक रहे थे। फिर रात हुई और सुबह हुई। इस प्रकार पांचवा दिन बीत गया। फिर आया छठवां दिन। वह सबसे बड़ा दिन था। उस दिन परमेश्वर ने सब प्रकार के जानवर बनाए, हाथी, शेर, खरगोश, गाय बनाए। उसने संसार के सभी जीवित प्राणी को बनाया। सब कुछ बहुत अच्छा और सुंदर था। तब परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को बनाऊंगा जो देखने में और स्वभाव में मेरे समान होगा। परमेश्वर ने मिट्टी से एक पुतला बनाया। फिर परमेश्वर ने उसमें अपना प्राण डाल दिया। मनुष्य, जिसे परमेश्वर आदम कहकर बुलाते थे, एक जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम से कहा तू मेरी बनाई हुई सारी चीज़ों पर प्रभुता करेगा, पर तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। परमेश्वर ने कहा आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम को गहरी नींद में सुलाया और उसकी पसली निकालकर स्त्री को बनाया। दोनों परमेश्वर की निकटता में रहते थे। इस प्रकार छठा दिन बीत गया। फिर सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, क्योंकि परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को बना चुका था। अब पता चला बच्चों कि सप्ताह में सात दिन क्यों होते हैं। परमेश्वर ने छह दिन काम किए और सातवें दिन विश्राम किया। आज का मेमोरी वर्स है उत्पत्ति 1:28। परमेश्वर ने आशीष दी और कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। आज का दूसरा मेमोरी वर्स है भजन संहिता 121, उसका 1 और 2 पद। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज की एक्टिविटी में हम मछली बनाना सीखेंगे। इसे ध्यान से देखो और बनाने की कोशिश करो।
आज हम एक गाना सीखेंगे और यह गाना सभी बच्चों को पसंद है। किसने बनाया मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपको पसंद आया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू मेक द स्नेक। जब हम इस सांप को देखते हैं तो ये सांप हमेशा हमें याद दिलाएगा कि किस तरह शैतान सांप के द्वारा आया था, किस तरह आदम और हवा को उसने तंग किया, उसने बहलाया उन्हें, और किस तरह हम सब पाप में डूबे, वो पाप में डूबे, और किस तरह से आज भी हमें शैतान तंग कर सकता है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, जैसे वो आदम और हवा के पास आया इस सांप के द्वारा, हमारे जीवन में भी वो कैसे भी आ सकता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? आदम और हवा ने आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की, तो हमें हम उनसे यही सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो
हमें प्रभु से हिम्मत मिलती है कि हम किस तरह से शैतान को हरा सकते हैं, और हरा सकते हैं सिर्फ एक ही चीज़ से, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं, उनके साथ संबंध रखते हैं। तो ये सांप आपको हमेशा याद दिलाएगा कि ऐसे शैतान आपके जीवन में बहुत आएंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ अगर आप हैं तो हमें कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको फिर कल मिलूंगी एक एक्टिविटी के साथ। बाय।